Welcome to Shine's, Nawabi Kitchen. Friends, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तो बताऊंगी या बिल्कुल आसान तरीके से चलिए इसके इंग्रीडियंट्स जल्दी से देख लेते हैं हम दो बड़े पैकेट्स प्लेन बिस्किट के लेंगे और ओरियो के फोर पीसेस अगर हमारे पास बिस्किट्स ना हो तो मैदा टू कप कोको पाउडर टू टेबलस्पून। दूध लेंगे हम 250 सौ एम एल दही ट्वेंटी ग्राम्स वन एंड हाफ टेबल स्पून व्हाइट विनेगर सिरका टू टी स्पून सोडा लेंगे हम टेन ग्राम्स इज़ वन एंड हाफ टी स्पून रेड फूड कलर वन टी स्पून क्रीम चीज फ्रोस्टिंग के लिए बटर हंड्रेड ग्राम्स क्रीम चीज थ्री फिफ्टी ग्राम्स पाउडर की हुई चीनी वन ट्वेंटी ग्राम्स हैवी क्रीम टू हंड्रेड एम एल लाइक आई सेड हम बड़े बड़े पैकेट लेंगे प्लेन बिस्किट के और सिर्फ चार टुकड़ी लेंगे हम औरियो चॉकलेट बिस्किट के अगर आपके पास बिस्किट अवेलेबल ना हो तो मैदा टू कप्स और टू टेबल स्पून हम लेंगे कोको पाउडर या फिर आप मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हो टू टू थ्री टेबल स्पून चल जाएगा वो भी सबसे पहले हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेंगे बिस्किट को मैंने फ़ाइन पाउडर में ग्राइंड कर लिया है देखिए पाउडर्ड होना चाहिए बिल्कुल टुकड़ी नहीं होनी चाहिए बिस्किट की इसे मैं अच्छे मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्स हो बिस्किट के तो वो घुल जाए सबसे पहले मैं दही डालूँगी बीस ग्राम साथ ही मैं डालूँगी इसमें सिरका दैट इज़ टू टी दूध मैं ले रही हूँ 200 हंड्रेड पहले उसके बाद अपने हिसाब से ऐड करूँगी और ज़्यादा दूध इसमें मैंने वन टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करके साइड में रख दिया है इस दही और दही और बिस्किट को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसमें 10 ग्राम बेकिंग सोडा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वन एंड हाफ टी स्पून इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आप मैं जो रेशियो दे रही हूँ उसे नोट कर लीजिए बहुत ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे एक साथ नहीं ऐड करना है हमें दूध स्लोली हम मिक्स करते करते डालेंगे दूध इससे बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी और हमारा केक फ्लफी बनेगा हम दूध आप डिज़ायर कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करते जाएंगे देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं इस तरह से मुझे 200 हंड्रेड से थोड़ा और ज़्यादा दूध लगा है एक एग बीटर के मदद से इस तरह से इसे फेंट लीजिए जैसे हम बेसन या पकौड़ी बनाते वक्त कैसा फेंटते सेम उसी तरह आपको ऐसा फेंटते जाना है इससे बैटर बहुत अच्छा बनेगा स्मूथ सिल्की अब एक दूध का पैन या फिर कोई भी सिल्वर के बगोने में हम ग्रीस प्रूफ पेपर लाइन कर देंगे इस तरह से अगर ये ना हो तो भी चलेगा बस मेक श्योर करें कि हम तेल बहुत अच्छा लगाएं ताकि हमारा केक स्टिक ना हो जाए बगोने पर मैं सिल्वर का बगोना यूज कर रही हूँ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैं ट्रांसफर कर रही हूँ बैटर को वेजल में देखिए आप कितना अच्छा स्मूथ बैटर लग रहा है बिना लम्स के बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा इनशाला हम मैं एक बड़ा बगोना ले रही हूँ बेक करने के लिए उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख रही हूँ मैं सिल्वर की ताकि दाग ना लगे और बेकिंग अच्छी हो जाए आप चाहे तो एक कटोरी या फिर केक स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो अब हम इसे प्लेट के ऊपर रख देंगे केक टिन को और लिटिल टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स जो भी है निकल जाए और इसे ढककर हम पहले मीडियम हीट पर पकाएंगे टेन मिनट्स तक उसके बाद धीमी आंच पर फोर्टी मिनट्स ऑल टुगेदर फिफ्टी मिनट्स देखिए केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है ऊपर जो क्रैक्स दिख रहे हैं इसका मतलब है अच्छे से बेक हो गया है इसे हमें टूथपिक या नाइफ़ की मदद से चेक करनाएंगे अगर हमारी टूथपिक साफ निकलती है इसका मतलब परफेक्ट बेक हो गया है अगर कुछ भी स्टिक होता है उस पर मतलब आपको फिर से दोबारा बेक करना पड़ेगा फाइव मिनट्स तक देखिए मेरा साफ निकला है इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी ये कूलिंग रैक पे ये देखिए पूरा ठंडा हो गया है केक अब मैं इसके जो बटर पेपर है उसे निकाल दूंगी और इसे सीधा कर लूंगी डोंट वरी ऊपर का जो लेयर है हम उसे निकाल देंगे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ओरियो केक जार भी बना सकते हैं चलिए अब मैं डी केक स्टैंड बता रही हूँ आपको स्टैंड के ऊपर एक कोई भी गोल बर्तन रख दीजिए उसके ऊपर एक बिग राउंड बेकिंग ट्रे या फिर कोई भी प्लेट रख सकते हैं आप इसके ऊपर हम केक रखेंगे इस तरह से हमें रोटेट करें जैसा होना चाहिए ये केक स्टैंड ऊपर की लेयर हम निकालेंगे सबसे पहले देखिए मैं किस तरीके से बता रही हूँ स्लोली स्लोली उसी तरह से हमें एक शार्प नाइफ की मदद से इसे कट करना है नहीं तो सही कट नहीं होगा एक साथ आप कट करेंगे तो इसे ऐसे रोटेट करते करते स्लोली हमें इस तरह से कट करना है देखिए ये जो ऊपर की लेयर है उसे हम केक डेजर्ट जार्स बना सकते हैं मेरी ऑलरेडी रेसिपी है ओरियो केक डेजर्ट जार की आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो अब मैं दूसरे दूसरी लेयर भी इसी तरह से कट कर रही हूँ इसे हम मोटा कट करेंगे ऊपर की लेयर बिल्कुल पतली कट करी थी हमने ये मोटी कट करेंगे हम अगर आपका केक बड़ा है तो आप तीन लेयर्स भी बना सकते हो मैंने छोटा केक बनाया है तो आप उस हिसाब से देखिए चलिए दो लेयर्स तैयार हो गई है मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ ये जो लास्ट लेयर है इसके ऊपर हम पहले शुगर सिरप लगाएंगे कूल cool केक बनाने के लिए हम सबसे पहले वॉम वाटर लेंगे उसमें पाउडर की हुई चीनी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से घोल देंगे आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं चीनी का उपयोग मैंने इसे अच्छे से घुला दिया है अब मैं इसे ब्रश की मदद से इवेनली स्प्रेड कर रही हूँ आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे स्प्रेड करने में देखिए इस तरह से हमें अच्छे से स्प्रेड करना है बाकी सारी केक लेयर्स को भी हम इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे शुगर सिरप क्रीम चीज बटर क्रीम बनाने के लिए हम बटर में सबसे पहले पाउडर शुगर डालेंगे और उसमें वेनीला एसेंस दिस इज ऑप्शनल और इसे हम बीट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक हैंड मिक्सर की मदद से अगर आप रूम टेम्परेचर पे नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बटर को ब्लेंड करने में तो आप श्योर करें रूम टेम्परेचर पे ही सॉफ्ट हो आपका बटर मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा फ्रिज का इस्तेमाल कर लिया है बटर अब इसमें मैं क्रीम चीज़ ऐड कर रही हूँ इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे स्पीड लो रखेंगे हम और हम ग्रेजुअली थोड़ा सा हाई करेंगे फिर लो पे करेंगे हम हाई इसलिए नहीं रखना है चांसेस होते हैं कि क्रीन चीज़ जो है वो फट जाए फट जाएगा तो हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा क्रीन चीज़ ज़्यादा नहीं बीट करना इसलिए हमें स्लोली स्लोली हमें रुक कर इसे बीट करना है देखिए इस तरह से और इसे हम जेंटली स्पैचुला की मदद से ऐसा फोल्ड कर देंगे अब एक अलग बॉल में हम क्रीम लेंगे हैवी क्रीम का इस्तेमाल ही करना ज़रूरी है हमें और इसे भी हम डीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक से मैं स्पीड पहले लो रख रही हूँ फिर मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया है स्पीड को लाइक मीडियम पे मैंने कर दिया है अब इस तरीके से हम इसे बीट करते जाएंगे ये देखिए सॉफ्ट पीक्स आ रहे हैं हमें चाहिए स्टिफ पीक्स तो सॉफ्ट पीक्स जैसे ही हो जाता है हम स्पीड को लो कर देंगे और बिल्कुल सेकेंड्स लगते हैं स्टिफ पीक्स को हम ध्यान रखे कर्डल हो जाएगा ग्रीन चीज अगर हम ज़्यादा फेंट देंगे तो देखिए ये परफेक्ट हो गया है हमारा हेवी क्रीम तो विप क्रीम तैयार है अब हम इसमें जो हमने बनाकर रखा था ना बटर क्रीम उसे ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्पैचुला की मदद से इस तरह से जेंटली फोल्ड करते जाएंगे इसे इस तरीके से ही आपको फोल्ड करना है ताकि ये इवनली अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए इस तरीके से स्लोली स्लोली आपको करते जाना है बटर क्रीम अब बिल्कुल तैयार है अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे मैंने ये वाला नोज़ल का इस्तेमाल किया है बहुत ही इजीली इससे डेकोरेट कर सकते हैं हम और पाइपिंग बैग को हम एक जार में रख देंगे इस तरीके से दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम ये जो फ्रेसटिंग फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्टिंग तैयार की है वो उसे डाल देंगे हा सिर्फ हाफ ऑफ द क्वांटिटी हमें ऐड करना है बाकी का हाफ हम केक के लिए रख देंगे देखिए इस तरीके से हमें सिर्फ हाफ ऑफ द पाइपिंग बैग फिल करना है और इसे जेंटली पुश करना है नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से और ऊपर हम सील कर देंगे इस तरह से ट्विस्ट करके अब ये पाइपिंग बैग रेडी है हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे बाकी का जो क्रीम चीज था उसे हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे केक पर एक पैलेट नाइफ की मदद से हम इसे स्प्रेड करते जाएंगे इस तरीके से देखिए हमें रोटेट करते जाना है जो हमने प्लेट रखी है नीचे उसे रोटेट करते हुए इस तरीके से स्लोली स्लोली स्प्रेड करते जाना है यह नाइफ बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रोस्टिंग के लिए आप मेक श्योर sure करें ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हुए भी सिर्फ एक स्पैचुला और एक नाइफ पे इन्वेस्ट कर लीजिए बहुत ही ज़रूरी है ये दो चीज़ें फ्रोस्टिंग के लिए मैं बिल्कुल आसान बेसिक मेथड से बता रही हूँ आपको मैंने कोई प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है सेकेंड लेयर को हम ऐड कर देंगे और उसे भी इसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे क्रीम मैंने सेकेंड लेयर का रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बार बार सेम रिपीट नहीं कर बताना चाह रही थी मैं देखिए, अब हम साइडों में इस तरीके से क्रीम को स्प्रेड करते जाएंगे ऊपर से नीचे तक ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है वैसे तो बहुत आसान है लेकिन इसे बहुत ही पेशेंस से हमें इवनली करना है देखिए थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और इस तरीके से हम स्क्रैप uh, करते जाएंगे अब हम साइडों में भी इस तरीके से लगाते जाएंगे ज्यादा ज़्यादा अमाउंट लगाइए फिर थोड़ा सा स्क्रैप करते जाइए फिर ज्यादा लगाइए फिर इस तरीके से स्क्रैप करिए तो हमें इवेंट टेक्स्चर आएगा इस तरीके से हम इवेंट करते जाएंगे आई होप आप लोग सब फॉलोअप कर सक रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है तो मैं इम्प्रूव करूँगी इन और ज़्यादा मेहनत करूंगी मैं आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी एक्स्ट्रा फ्रोस्टिंग है इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे निकाल के हम इसे इवनली इस तरीके से सर्कुलेट करते करते निकालते जाएंगे देखिए जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आ गया है वो इसे मैंने निकाल दिया है फिर से सेम करते जाएंगे हम इसी तरह से हमें एटलीस्ट फाइव टू सिक्स टाइम्स करते जाना है अनटिल एंडलैस एक अच्छा सा स्मूथ uh, फ्रोस्टिंग वाला केक रेडी हो जाए हमें इस तरीके से करते जाना है ये प्रोसेस को कम से कम पंद्रह मिनट लगते हैं पूरा केक रेडी करने में इट्स नॉट दैट ईजी ईजी होता है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है ये मैं आपको बहुत ही घर के आसानी से जो भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम वही ट्राई करती हूँ बताने के लिए ताकि आप सबको आसानी से बनाने आ जाए केक मेरे और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ है उस्मानिया बिस्किट को भी मैंने बहुत ही आसान तरीके में बताया किस तरीके से हम चूल्हे पर बना सकते हैं उस्मानिया बिस्किट इंशाल्लाह आप वो भी देख लीजिए एक बार और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ है मेरी ओरियो जार की और डेजर्ट जार्ज की जो आप इंस्टेंटली बना सकते हो वो भी एक बार आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर जो नीचे मैसअप हो रहा है उसे आप इग्नोर करें हम लास्ट में दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर देंगे केक को और हमें नीचे का भी जो भी है हम निकाल दे निकालते जाएंगे इस तरीके से स्क्रेब करते करते देखिए मैं सब निकालते जा रही हूँ साइडों का आप भी इसी तरह से स्क्रेब करते जाइए ये बहुत बहुत आसानी से मैं बता रही हूँ आप कैसा भी कर सकते हैं इन शाला करते जाने के बाद हम और थोड़ी सी क्रीम चीज प्रोस्टिंग लगाते जाएंगे कॉर्नर्स पर देखिए इस तरीके से जो भी कॉर्नर्स विजिबल है उससे हम इस तरीके से कवर करते जाएंगे थोड़े बहुत कॉर्नर्स दिखे भी तभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है हम डेकोरेट करेंगे ना तो वो हाइड हो जाएंगे देखिए इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बना है केक आप ज़रूर ट्राई करिए आप चाहे तो रेड और वेलवेट के ओरियो बिस्किट्स आते हैं वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आप लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है इसीलिए मैंने आपको आसान तरीके से बताया है प्लेन बिस्किट्स और ओरियो और चॉकलेट बिस्किट्स से कैसे हम बना सकते हैं रेड वेलवेट केक अगर आपको रेड वेलवेट बिस्किट्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड वो इस्तेमाल करिए आपको दही विनेगर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉट इवन कलर जस्ट आप डायरेक्टली मिल्क और सोडा डाल के केक बेक कर सकते हैं अगर आप रेड वेलवेट बिस्किट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो अदरवाइज़ फ़ॉलो दिस रेसिपी केक अब अच्छे से रेडी हो गया है मैंने जो ऊपर की जो लेयर थी ना केक की उसे क्रम कर लिया है और उसे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का हाथ रख के हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे डोंट वरी नीचे थोड़ा मेसअप हो जाएगा हम उसे क्लियर कर देंगे लास्ट में देखिए मैं पूरे कॉर्नर्स कवर कर रही हूँ ये आपकी मर्ज़ी आप चाहे तो डेकोरेट करें या फिर ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं अब मैं फ्रोस्टिंग uh, बैग जो था हमारा पाइपिंग बैग की मदद से ऐसे फ्लावर्स बना रही हूँ ये बहुत ही बेसिक बता रही हूँ मैं आपको डेकोरेशन का तरीका आप अपने हिसाब से करिए मैंने प्लेट में अब ट्रांसफ़र कर लिया था केक आप चाहे तो केक बोर्ड पे भी सजा सकते हैं केक को या फिर आप uh, जो भी प्लेटिंग किस में भी आप करना चाहे कर सकते हो मैंने नीचे के मोटे रखा है फ्लावर्स ऊपर के हम पतले रखेंगे क्योंकि हम वहाँ पर फ्रूट्स सजाएंगे आप चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी फ्रूट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई भी आपको जैसे भी डेकोरेशन करना पसंद हो वैसे कर सकते हो आप मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है नेक्स्ट टाइम पे मैं इनशाला आपको रोजेट्स बताना सिखाऊंगी साथ ही हम ऊपर भी थोड़ा सा केक क्रम्स डाल देंगे डेकोरेशन के लिए रेड वेलवेट को बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे अब मैं इस पर मेरे फेवरेट फ्रूट्स लगा रही हूँ स्ट्रॉबेरीज आप चाहे तो कोई भी फ्रूट्स लगा सकते हो आपके पसंद के केक अब बिल्कुल तैयार है मैं सबसे नीचे भी थोड़े से फ्लावर्स से डेकोरेट कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा गेटअप आ जाता है आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी बहुत बहुत पसंद आई होगी अगर आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको